In today's video, we will discuss the difference between animal cell and plant cell. We already draw the structure of animal cell and plant cell. Today we will discuss theoretically that what difference exists between animal cell and plant cell. सबसे पहले हम आते हैं पास हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी तरह हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होता है और हमारे पास जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये तीनों हमारे पास प्लास्टिक टाइप्स है। तो ये जो ऑर्गेनेल है इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी आता है और क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जिसकी थ्रू एक्सिल सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने लिए फूड तैयार करता है। ये ऑर्गेनेल जो है ये हमारे पास एनिमल में मौजूद नहीं है और प्लांट में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हम आते हैं शैवाल। तो हमारे पास एनिमल की सेल में शैवाल मौजूद नहीं है और प्लांट की सेल में हमारे पास शैवाल मौजूद है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास है प्लाज्मोडेस्माटा का, अगर आप देखें तो हमारे पास प्लांट की सेल में जो शैवाल होते थे उसमें कुछ होल होते थे जिस होल के थ्रू हमारे पास मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता था, तो वो होल भी हमारे पास एनिमल की सेल में नहीं है और प्लांट के थ्रू में हमारे साथ मौजूद है। इसी तरह अगर हम वैक्यूल की बात करें तो हमारे पास एनिमल की सेल में मैनी स्मॉल वैक्यूल है और हमारे पास प्लांट की सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल, ये भी हमारे पास एक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियस पर। हमारे पास जो एनिमल का सेल था उसमें जो न्यूक्लियस होता था वो सेल की सेंटर पर होता था, सेल की सेंटर में हमारे पास उसका न्यूक्लियस होता था और इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो इजिस पर है। इजिस का मतलब है कि साइड पर है। नेक्स्ट हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये जो ऑर्गेनेल है जो हमारे पास एनिमल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो ये ऑर्गेनेल जो है ये हमारे पास एनिमल में मौजूद है और प्लांट में हमारे पास सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लास्ट जो ऑर्गेनेल हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम वो ऑर्गेनेल है जो एंजाइम पर मुंतकिल होता है और सेल के अंदर डाइजेशन का हेल्प करता है, तो ये हमारे पास एनिमल की सेल में मौजूद है और प्लांट की सेल में ये रेयरली विजिबल होता है। ज्यादातर मौजूद नहीं लेकिन रेयरली इसमें विजिबल होता है। तो ये हमने थ्योरेटिकली ड्रा किया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमारे पास क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम इंडिविजुअल ऑर्गेनेल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शैवाल से स्टार्ट लेंगे। शैवाल के बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमारी बहुत ज्यादा वीडियो बनी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम सेल के अंदर आएंगे, साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेल है सारों का हम डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो आप इसकी स्टार्ट कर सकते हैं।